छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। बरसात में राधा रानी के दर्शन के बाद हम लोग चल दिए हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने के लिए। मौसम बहुत सुहाना हो गया है, जो सुबह गर्मी लग रही थी और नहीं लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आजकल रिक्शा में होती है परिक्रमा, क्योंकि पैदल चलना तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा की परिक्रमा है, पैदल चलना सबके की बात नहीं है। 8 घंटे लगेंगे और थोड़ा टाइम भी कम है, इसलिए हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। वैसे तो राधाकुंड के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, पर सबसे प्रसिद्ध कहानी श्री कृष्ण के गोचारण करने से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे राधाकुंड का गोचारण से क्या संबंध, तो हम आपको बता दें कि गोवर्धन में ही कान्हा गाय चराने आया करते थे। जब अरिशासुर को ज्ञात हुआ कि कान्हा यहाँ आया करते हैं, तो वे बछड़े का भेष धारण कर यहाँ पहुँच गए। जब बछड़े के भेष में असुर ने श्री कृष्ण पर हमला करा, तो श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बछड़े का वध किया है, इसलिए आप पर गोहत्या का पाप लगेगा। राधा रानी के मुख से यह वचन सुन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान भी किया। तभी से इस स्थान को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। लोग ये परिक्रमा मार्ग है, इसे बिल्कुल कच्चा बनाया गया है, जिससे लोगों को चलने में सुविधा न हो, क्योंकि जो परिक्रमा है वो बिना चप्पल की जाती है, तो अधिकतर लोग पैदल ही चल रहे हैं यहाँ पर। ये है कुसुम सरोवर, यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे, बहुत ही सुंदर जगह है। राधाकुंड के बाद अब कुसुम सरोवर अगला पड़ाव है। यह मथुरा में गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कुसुम सरोवर जो 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण छुप छुप कर राधा रानी से मिलने के लिए इस स्थान पर आया करते थे। राधा रानी और उनकी सखियाँ श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुनने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थी। इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। कुसुम सरोवर गोवर्धन के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसका सौंदर्य ही लोगों को इस स्थान तक खींच कर लाता है। यहाँ कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं और इसमें हफ्ते या कई महीने भी लग जाते हैं। इन श्रद्धालु की श्रद्धा देखते ही बनती है। अब हम आए हैं गिरिराज जी के मंदिर में। यहाँ अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था, पर इसके परिसर में हमें गिरिराज जी के बेहद ही करीब से दर्शन हुए। अब हम आ गए मानसी गंगा पर और जल्दी से दर्शन करते हैं। गंगा के मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा और सभी ब्रजवासी ने गंगा स्नान का मन बनाया और अपना सफर शुरू किया। चलते चलते जब सभी गोवर्धन तक पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद जी ने वहीं पर अपना विश्राम स्थान बनाने का सोचा। यहाँ पर रात्रि गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी गण इसकी महान महिमा से अनजान है। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा जी अपने मानसी रूप में यहाँ प्रकट हुई। सुबह जब सभी ब्रजवासियों ने गंगा मैया को यहाँ देखा तो वैसा हैरान रह गए। सभी को हैरान देखते हुए श्री कृष्ण बोले कि ब्रजभूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोगों की सभी तीर्थियाँ आकर विराजित हैं और आप सभी गंगा स्नान के लिए ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि श्री गंगा मैया स्वयं मानस गंगा के रूप में यहाँ विराजमान है।
छुपी हो शाम, तुम्हें ढूंढू गली गली, तुम कहाँ छुपी हो शाम, तुम्हें ढूंढू गली। यहाँ पे है गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत का विराट रूप है यहाँ पे, जो था वो शॉर्ट रूप था, ये सारे में फैला हुआ है ना काफी दूर तक, आपको पेड़ की वजह से ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। कभी कभी लोकल शॉप का मजा लेना चाहिए। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं और काफ़ी अच्छा नाश्ता वगैरह है, चाय की क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मज़ा आ रहा है सबको। जो का यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और नैन ने मैगी ऑर्डर करी है, देखते हैं चाय के कप कितने लगे। पहली बार ऐसे चाय के कप देखे, साइज बहुत छोटा है, देखते हैं कैसी मैगी आती है नैना की। ये नैना की मैगी बन के आ गई है और आज नैना पहली बार इस तरह स्ट्रीट फूड में मैगी खा रही है, बाहर बैठकर खा के बताएगी कैसी लगी है इसको। और ये भी ओम भी शेयर कर रहा है इसके साथ, खा के बताओ बच्चों कैसी लगी। बच्ची कितनी है इसमें? मैगी के ऊपर उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्वान्टिटी थोड़ा कम दी है इन लोगों ने, खा के बताओ क्वालिटी कैसी है। बढ़िया है। व्योम तुम बताओ कैसी लगी, कुल मिला के अच्छी है ना? कलर देखिए थोड़ा लाइट है इसका, पनीर भी डाला, पनीर भी डाला है, शक्ल से भी अच्छी लग रही है। चलो जल्दी खाओ, भी चलना है बेटा, आधी परिक्रमा रह रही है बीमारी। और हमारी गोवर्धन की यात्रा यहाँ पे संपूर्ण होती है, जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं आ गए हैं। सब लोगों को बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी यात्रा रही हमारी और बहुत यहाँ भीड़ भाड़ थी, पूरे भारत से लोग आए हुए थे। कभी हमारी इच्छा है कि कभी हम भी उनकी तरह पैदल यात्रा कर पाएँ, देखते हैं कब हमारी इच्छा पूरी होती है। अब हम आ गए हैं गोकुल और अब हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं और देखते हैं हम कितने दर्शन आपको करवा पाते हैं, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पे रिकॉर्डिंग जैसे कि आपको पता है बंद होती है। तो चलो दो की गलियाँ हैं जहाँ कभी हमारे लड्डू गोपाल के कदम पड़े होंगे और आज हमारे कदम पड़ रहे हैं उनकी कृपा से। भीड़ तो नहीं लग रही बाबा? लग नहीं रहा मुझे, ज्यादा भीड़ मिली है। कितनी दूर है भैया?
शाम की आरती के समय हम पहुंच चुके हैं रमन रेती मंदिर में और यहां आकर हमें पता चला कि इस आरती में हाथी भी शामिल होता है। गोकुल के रमन रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भी कृष्ण भक्त आता है वह बिना रेत में लौटे नहीं जाता। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप में इस रेत में लीलाएं की थी। लोग मानते हैं कि इस रेत से बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ लोग रेत का घर भी बनाते हैं। मान्यता है कि इससे अपने घर को बनाने की मुराद पूरी होती है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।